सस्ते नशे जैसे होते ना, तो सस्ता हिल स्टेशन, सस्ती ट्रैकिंग। तो ये है टॉप व्यू, गलत आ गई। तो गाइज अपने कंफर्टेबल शूज में आइए, बेस्ट पेयर ऑफ शूज जो आपको। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल द गर्ली मॉम। कैसे हो आप सब, आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आज हम जा रहे हैं लोटस पॉन्ड पे, और जस्ट आज संडे है और हमारा मन किया कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, और हम मानेसर से हम जा रहे हैं, और हमारे घर से काफ़ी पास है। कई लोग गुड़गांव से भी यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आसपास कुछ खास हिल स्टेशंस नहीं है एंजॉय करने के लिए गर्मी में। तो एक छोटा सा हिल स्टेशन हमने ऐसा सुन रखा है कि हिल स्टेशन है छोटा सा, मतलब लोटस पॉन्ड है वहाँ पे, कमल के फूल खिलते हैं वहाँ पे। तो देखेंगे, हम जाके पूरा एंजॉय करेंगे, एंड जो भी जर्नी रहेगी सारा हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स गेट। तो गाइस फाइनली हम जो है इस लोकेशन के आसपास आ गए थे, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम गए थे तो हमें ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, और हम जो है मानेसर से गए थे, तो यहाँ से तो हमें जो है ये विलेज के बीच में से निकाल के पता नहीं कहाँ पे किसी और ही रास्ते से ले गया था। और जो लोग गुड़गांव से आते हैं उनके लिए जो है मानेसर का टोल पड़ता है। मानेसर का टोल आपने टोल नहीं क्रॉस करना, उससे पहले ही एक रास्ता आता है दूसरी तरफ टोल के साइड में, वहीं से आपको 1-1.5 किलोमीटर पहले से ही मोड़ ले लेना होता है, वो आपको मैप पे प्रॉपरली आपको पता लग जाएगा, तो वहाँ से जाना होता है। तो ये हमारे लिए जो है अलग रास्ता है, और उनके गुड़गांव की साइड से जो लोग आते हैं उनके लिए अलग रास्ता है, बट अल्टीमेटली हम सेम ही लोकेशन पे पहुँचते हैं, और हर जगह पे ऐसे ही आपको ग्रीनरी वगैरह नज़र आने वाली है। सो हम पहले तो काफ़ी कन्फ्यूज थे, अब देखते हैं कि आगे हम कहाँ पर पहुँचते हैं। उसके पैर में ना वो पत्थर वगैरह चले गए हैं, तो इसलिए खोल रही है बार बार। डाल लो अच्छे से। ये देखो कितनी सुंदर बटरफ्लाइज हैं यहाँ पे, मतलब एक साथ इतनी सारी बटरफ्लाइज मतलब मैंने कभी नहीं देखी आज तक, और ये यहाँ पे देखी मैंने, बड़ा अच्छा लग रहा है। आनंदिता अब कहाँ घूम रही हो झाड़ियों में? अब बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऐसे ना एक्सप्लोर करना। पापा आ गए हैं, चलो आ जाओ। ये देखो बहुत प्यारी लग रही है बटरफ्लाइज। आनंदिता ये देखो बटरफ्लाइज कितनी सुंदर है ना, वाइट कलर की। आ जाओ इधर आ जाओ, वो तो वहाँ पर नहीं जाओगे आप, ऐसे आप किसी भी प्लांट को छेड़ोगे नहीं, पता नहीं उसमें कैसा रहेगा आप रिएक्शन। धीरे धीरे चलोगे। ये देखिए आसपास, अभी फ़िलहाल जो है हम शाम के टाइम पे यहाँ पे आए हैं, तो मुझे लगता है अराउंड 5:30 हो रहे हैं, मतलब 5:30 हो रहे हैं। मैं बात कर रही थी कि पता नहीं हमें भी इस साइड है कि नहीं है, मैं जस्ट एक YouTube पे वीडियो देखी थी, तो वहाँ पे उन्होंने बताया था कि जैसे पंडाला हिल्स में लोटस पॉन्ड है, तो बस उसी की खोज में हम निकल पड़े। आज संडे भी है, पर कुछ मुझे यहाँ पे पता नहीं, हम देखते हैं। चलो आप भी साथ ही हो, देखते हैं क्या मिलता है। बाकी एक ट्रैकिंग का रास्ता तो हमें दिख ही रहा है, तो उसी पे हम चल रहे हैं। आएगा कुछ, गलत आ गई है मैप के पीछे, दिखायो कितने मिनट रास्ता, हम 6 मिनट रह गया ना आगे होना था। नंदी दा वो देखो मंकी, वो उसके सामने। वाओ सच्ची में मुझे एक्सपेक्ट नहीं था, मैं कहा मंकी होगा कि नहीं होगा, वो देखो मंकी ऊपर चढ़े हुए, पर सच्ची में मंकीज हैं। आजो आजो चलो आगे आजो, आगे देखते हैं आजो। ये देखो मंकी है यहाँ पे, ये है नंदी दा, ये है नंदी दा के पापा। चलो तो मंकी तानू की कहंदा, हैंड पकड़ लो मेरा, लग जाना पता, तेरा फोन खींच के ले गया ना फाड़ के, नहीं लेके जांदा वो आ गया अजन आंदा पया, कुछ नहीं कहंदा आनंदी तानू, चक लो कुछ नहीं कहंदे, ओ इदां तुसी छेड़ो ना तो वो कुछ नहीं कहोगे, चक लो इनू, इन चक लो, चल आ गया तेरे नाल ज्यादा तो डर पोगा। तो गाइस अपने कंफर्टेबल शूज में आइए, बेस्ट पेयर ऑफ शूज़ जो आपको पता है कि ये कंफर्टेबल हैं बिल्कुल, उस शूज़ में आए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टोन्स पत्थर सब कुछ मिलेगा, क्योंकि फिर हो सकता है आपको पैरों में लगे, जैसे मेरी जो चप्पल है वो फ्लैट है, तो उससे क्या होगा, मुझे मैं चल रही हूँ तो मेरे पैरों की जस्ट चुभ रहे हैं, तो इट्स ओके। वैसे मैंने आपको बता दिया, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपके जो बेस्ट जूते होते हैं ना वो डाल के आना, पुराने और कंफर्टेबल जूते डाल के आना फॉर द ट्रैकिंग। तो अभी हमारे यहाँ से जहाँ हम पहुँचे हैं वहाँ से 850 मीटर का रास्ता रह गया है, मैप पे बता रहा है, वी आर नॉट स्टिल श्योर बट वी आर ट्रस्टिंग द मैप, देखते हैं। वैसे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए मैप पे, पर फिर भी हम ट्रस्ट करें।
सो जल्दी से हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। है वो जिसकी हम बात कर रहे थे, पर एक भी हमें लोटस का फूल यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। बट ये वही पॉन्ड है, लोटस पॉन्ड। चलिए हम दूसरी साइड से देखते हैं अब। बट यहाँ पे आने के लिए एटलीस्ट आपको 10-15 मिनट की ट्रैक लगेगी, तो आप आ सकते हैं। ये देखिए, ये है टॉप व्यू। वो देखो कितों निकले थल्लियों दी है। थ्री सिक्सटी व्यू। सो गाइस, यहाँ पे लोग जो है पहाड़ियों पे चढ़ चढ़ के फोटोज खिंचा रहे हैं। हिल स्टेशन तो नहीं बोलूँगी मैं इसे, बट हाँ एक ठीक है, एक संडे की आउटिंग आपकी हो सकती है। तो अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप इधर आ सकते हैं, पर द थिंग इज़ कि यहाँ पे भी गर्मियों में गर्मी होगी, क्योंकि ये कोई प्रॉपर वो नहीं है कि यहाँ पे बारिश हो रही है, गर्मी तो है यहाँ पे। ये देखिए वहाँ पे लोग कैसे फोटोज खिंचवा रहे हैं, वो ऊपर फोटो खिंचवा रहे हैं, वो देख रहे होंगे आपको कुछ ले, मतलब वहाँ पे हैं ऐसे। और यहाँ पे आपको छोटे मोटे चोटें वगैरह लग सकती हैं, कांटे चुभ सकते हैं, खरोचे लग सकती हैं। एक खरोच मुझे भी लग गई है। ये देखो यहाँ पे कमल के फूल तो नहीं मिले, पर ये पता नहीं कौन से फूल हैं, ये जरूर हम मिले गए हैं, पर ये भी अभी प्रॉपर खिले नहीं हैं, बट बहुत अच्छे लग रहे हैं। बच्चे कि चढ़ दे ऊपर, बुरा रोड आए। मुझे कहाँ जाना, आपने नीचे गिर जाओगे। आनंदिता देख लो, यहाँ पे खड़े होके देख लो, नीचे गिर जाओगे। पीकॉक, तो यहाँ पे बहुत सारे हमें जो है पीकॉक नजर आए, पर अब उसने फेस ही उस साइड कर लिया। शर्मीले होते हैं पीकॉक्स मे बी। ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ आने का, वो ये है कि अगर आपको ट्रैकिंग अच्छी लगती है एंड आप मतलब थोड़ी बहुत ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं, तो आप ज़रूर आ सकते हैं। 15-20 मिनट लग सकते हैं आपको यहाँ तक आने के लिए लोटस पॉइंट पे, और लोटस पॉइंट से आने से पहले भी आपको काफ़ी ट्रैक करना पड़ता है। तो इफ़ यू लव ट्रैकिंग और अगर आप हिल्स का थोड़ा बहुत मज़ा लेना चाहते हो, यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, आना आ सकते हो। सैटरडे संडे यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। सेकेंड बिग थिंग कि अगर आप दोपहर को आओगे तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि दोपहर को यहाँ पे जैसे हमारे रेजिडेंशियल एरिया में जैसे हम रहते हैं, वहाँ पे भी उतनी गर्मी होगी, यहाँ पे भी उतनी गर्मी होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट पे हिल्स नहीं है, मतलब पास ही हैं तो उतनी नहीं है। हाँ, ग्रीनरी अच्छी है, बट दोपहर के टाइम पे आप अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ पे आना। सेकेंड थिंग, अब जैसे जैसे शाम हो रही है, मतलब अभी मैं आपको बताती हूँ, 6:20 हुए हैं। तो जब मैंने पहले वीडियो स्टार्ट की थी तो अराउंड 5:30 हुए थे, तो एक घंटे में हम तो है घूम के आ गए। अब आप उससे कितना ज़्यादा और ज़्यादा आप जो है रहना चाहते हो, रुकना चाहते हो, आपका टाइम कैसे अलाउड करता है आपको आने के लिए, तो आप वैसे रुक सकते हो।
पर मेरा मान मतलब मेरा कहना ये है कि जैसे कि यहाँ पे थोड़ा जंगल टाइप ही है, तो आप टाइम से घर चले जाओ और मॉर्निंग में आओ। मॉर्निंग में आप 6 बजे 7 बजे, हम तो जब दोबारा आएंगे तो मैं डेफिनेटली 6-7 बजे आऊँगी, ताकि हम टाइम से अपने घर पहुँच जाएँ। और आप कुछ अपना थोड़ा बहुत खाने के लिए भी लेके आ सकते हो यहाँ पे, जैसे कुछ हैंडी स्नैक्स वगैरह लेके आ सकते हो, मतलब कुछ भी आप लेके आ सकते हो खाने के लिए, तो आप बैठ के खा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे है नहीं है कि आपको कुछ खाने को मिल जाए। काफ़ी मतलब ट्रैकिंग करने से भी भूख लग जाती है, तो आप लेके आ सकते हो, आप खा सकते हो आराम से। एक तरह का पिकनिक स्पॉट भी हो सकता है ये, अच्छा अगर आप आना चाहो तो। अगर आप पिकनिक मनाने आ रहे हो तो प्लीज़ अपना कुछ प्रॉपर बिछाने के लिए मैट वगैरह लेके आओ और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करो। ज़रूर आना इस जगह पे, हम दोबारा फिर से आएंगे। तो सस्ते में कोई हिल स्टेशन इंजॉय करना है, सस्ता, सस्ते नशे जैसे होते हैं ना, तो सस्ता हिल स्टेशन, सस्ती ट्रैकिंग, तो ऐसा कुछ करना था, आप यहाँ पर आ सकते हो, बड़ा मज़ा आएगा। और वीडियो को मैं अभी यहाँ पर एंड कर देती हूँ, बिकॉज़ मुझे बहुत भूख लगी है, हम कुछ भी खाने को लेके नहीं आए थे, और हमारे साथ जैसे कि आपने देखा एक छोटा बच्चा भी है 2 साल का। तो वीडियो को यहीं पे मैं एंड करती हूँ, और मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस हैं यूज़फुल, आप देख सकते हो। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।